नमस्कार। आज का टॉपिक है राजमा। हम राजमा कैसे बनाते आज दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, 5-6 बड़े बड़े है, 7-8 कड़ी है, और 3 इंच अदरक लिया, और 2 टमाटर लिया, और 2 प्याज लिया, एक बड़ा है एक छोटा है। और यहाँ पर राजमा मैंने रात को भिगाया और अभी मैंने गलाने रख दिया है, हो गया, दूध आके रख दिया। ये राजमा हो गया हमारा, और अभी मैं तड़का लगाऊंगी इधर। ओके, ये देखो हमारा राजमा बहुत अच्छे से गल गया, रात को भिगाया था। और आज राजमा कैसा बनाते हैं आज हम दिखाएंगे। अभी आती हूँ मैं आपके पास। ओके, हमारा तेल गरम हो रहा है, गरम हो गया। अभी हम इसमें जीरा डालते हैं, जीरा डालेंगे, थोड़ा हींग डालते हैं, ये जीरा हो गया, ज़्यादा काढ़ा नहीं करने का। फिर हम अदरक जो बताया था मैंने, अदरक, ये लहसुन है, ये अदरक है, ये भी पेस्ट हम उसके साथ मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इसको ऐसे तेल में करने का, क्योंकि ये प्याज के साथ हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपने कच्चा भी रखा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बारीक है। आप पेस्ट नहीं करना ब्लेंडर में, क्योंकि वो इतना टेस्ट नहीं देता। आप ऐसे कद्दूकस करिए छोटे खिसने से, नहीं तो आप ये कर सकते हैं खलबत्ते से, तो उसमें थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा आता है अदरक लहसुन का। तो ये प्याज मैंने मिक्स करती हूँ, बड़ा फ्लेम रखा है गैस का, अभी हो जाएगा। इधर मैंने राजमा रखा है, हो गया राजमा, रात को भिगाया था। आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उस क्वांटिटी के हिसाब से आप करिए, मुझे तो मेरी क्वांटिटी ऐसा है, तो उस हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो हमारा प्याज हो गया है और बहुत अच्छे से। अभी हम टमाटर डालेंगे, इसको हम बहुत अच्छे से लाल करेंगे, टमाटर को पेस्ट करेंगे, प्याज और टमाटर की, अदरक लहसुन डाला, जीरा ही गए, अभी मसाले नहीं डाले हैं, हल्दी पहले नहीं डालना क्योंकि जल जाता है फिर मसाले, तो मसाले के साथ हल्दी तो उसी में हो जाता है। तो आती हूँ मैं आपके पास। देखो हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह भुन गया और बहुत मेल्ट हो गया, देखो बहुत अच्छे से। अभी मैं मसाले इसमें रखती हूँ, अपने जो मिर्च, लाल मिर्ची वगैरह, इधर मैंने हल्दी लिया, ये मसाला है, ये भी मसाला है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा है और इसमें थोड़ा कम है, इसीलिए ये 2 डालती हूँ तो बहुत ही टेस्टी आता है। फिर तो इसमें मिक्स करती हूँ, बहुत कलर वगैरह बहुत, इसलिए हल्दी पहले मत डालना क्योंकि हल्दी जल जाती है, वो सबको पता है, तो पहले डालना नहीं कभी प्याज में, तेल में ऑटोमेटिक हो जाते तुरंत। अभी मसाले मैंने सब मिक्स कर दिया, आपको दिखा दिया है, और यहाँ पर राजमा मैंने बॉईल किया है। ये बहुत इजी खाना है, कुछ भी ज़्यादा करने, राजमा मसाले में मिक्स किया, और आप ये इतना टेस्टी है आपको क्या बताऊँ, इसका कलर कलर सारा। एक सेकंड मुझे मिक्स करने दो, और आपको थोड़ा पानी डालना है तो आप ज़रूर पानी थोड़ा पतला कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा पानी डालती हूँ,
इसी में कुकर में थोड़ा पानी मैंने बॉईल किया था, उसी में ही पानी पड़ा लेती है। राजमा राइस आप रोटी के साथ भी खा सकते, आपको ज़रूरी नहीं कि पक्का राइस ही बनाना है। हम राइस बनाएंगे, मेरे घर में राइस ज़्यादा नहीं खाते हैं, मेरी बेटी खाती है तो वो नहीं है, लेकिन बेटा नहीं राइस खाता है, तो अभी रोटी के साथ खाएगा वो, इसलिए ज़्यादा पतला नहीं करने का। ये देखो अभी बॉयल होने के बाद, आज मेरे पास धनिया नहीं है, हमारा स्टोर यहाँ पर नहीं है नज़दीक, पर मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर अभी धनिया ले आऊँगी, हरा धनिया नहीं है मेरे पास। और धनिया पाउडर वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, जीरा पाउडर, जीरा डाला हुआ है, हींग डाला हुआ है, और जो हमारे इंडियन मसाले उसमें सब कुछ है, इसीलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और नमक वगैरह सब कुछ, नमक मेरा ख्याल, एक मिनट में थोड़ा सा, मुझे नमक का याद नहीं, सॉरी, मैं फिर भी टेस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि वो मसाले में भी नमक है, तो थोड़ा सा हमारे इस मसाले में नमक होता है, तो अच्छा हुआ मेरे कल भी मैंने थोड़ा, मैं अपने आप वीडियो बनाती हूँ ना, तो सॉरी मुझे कभी कभी याद नहीं रहता है, मैं यहाँ पर निकालती हूँ तो मुझे पता चलेगा कितना नमक डालना। ये नमक, मैंने नमक भी अभी थोड़ा कम है, क्योंकि वो मसाले के अंदर जब डंके पे जाता है तो नमक के शिवाय नहीं, वो तो बहुत नमक मोटा मोटा होता है, तो उससे मेरी चीज़ जल्दी को ये हो जाती ना बारीक, तो ऑलरेडी मेरे बहन लोगों ने वो बता दिया है मसाले में नमक है, तो खाने में नमक मत डालना, तो लेकिन मैंने थोड़ा डाला। अभी ये देखो राजमा अभी बॉयल हो रहा है, ऐसा ही बनाना, ज़्यादा पतला मत बनाना, जिससे कि आपको रोटी को और थोड़ा सा बॉयल होने से और थोड़ा गट होना चाहिए, और आपको तो उधर खाना रोज़ बनता है, तो ये तो मेरा 5-6 दिन का है, तो 4 दिन तो पक्का जाएगा, खाने वाला कोई नहीं, इसीलिए आती हूँ मैं आपके पास। ओके, हमारा राजमा हो गया, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है सारे घर में, बाहर भी खुशबू जाता है इस खाने का, मसाले का, बहुत अच्छा है ये, और बहुत देर भी नहीं लगता, बहुत जल्दी, कुकर में नहीं तड़का देना, मुझे कुकर का बिल्कुल पसंद नहीं खाना, इसीलिए हम ये पतीला मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये है लोहे का है, लोहे के पतीले में खाना बहुत अच्छा होता है, तो मैं यही पतीले में, ज़्यादा नॉन स्टिक से भी इसी पतीले में खाना बनाती हूँ, और थोड़ा सा चौड़ा है ना, तो उससे बहुत अच्छा होता है कि सब तरफ से उबलता है और एक जगह में नहीं बैठता है, कढ़ाई में तेल नीचे जाके बैठता है, तो ये क्या होता है, सारी जगह तेल आता है और मसाले अच्छे से भुनने को अच्छा मिलता है, और गैस भी बड़े है यहाँ के गैस बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये इधर मैंने राइस रखा, मैं राइस एक ही राइस यूज़ करती हूँ, वो बताती हूँ, देहरादून बासमती, और वो राइस नंबर 1 होते हैं, लेकिन मुझे इधर के राइस इतना पसंद नहीं, मुझे गाँव के राइस बहुत पसंद है, ये बहुत लंबे है सब है, लेकिन मुझे फिर भी इंडिया के ही पसंद आते हैं। मैं चम्मच ढूंढ रही थी कि मैं थोड़ा हिला के दिखाऊं, ये बहुत लंबे और बहुत वाइड भी है, तो ये देखो मैंने अभी इधर राइस रखा, मेरे हस्बैंड खाएंगे राइस राजमा, मैं थोड़ा खा लूँगी अगर मुझे खाना है तो, लेकिन हम रोटी ही पसंद करते, आज रोटी बनाऊँगी, आज मेरी छुट्टी है, संडे है, और मैं अपलोड करने वाली है थोड़ी देर में ये, क्योंकि मैंने हलवे का मैंने अपलोड कर दिया था कल, और आज मैं ये करूँगी, टाइम नहीं मिलता इसलिए जल्दी जल्दी अभी थोड़ा करती रहूँगी। और आज के लिए थैंक यू सो मच, आज इतना, मैं अभी गैस बंद कर रही हूँ, ये हो गया, और इसमें घी डाल के आप खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, ऊपर से थोड़ा घी लीजिए, घी सबके घर में होता है, थोड़ा लीजिए, ज़्यादा घी का भी ज़रूर नहीं है। और मैं अभी हमारा मैं आगे करती हूँ, क्योंकि फेस दिखाती हूँ मेरा, और मैं जब ओके, आज के लिए इतना, मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे लाइक करना, और कमेंट में बताना मेरा राजमा किस तरह हुआ, ज़रूर बताना, ठीक है, तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच सब लोग, मुझे बहुत अच्छी कमेंट आती है और मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना। अगर मेरा राइस बनाना, राइस देखना चाहते हो तो मैं आपको राइस दिखाती हूँ, मैं कुकर में राइस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि
चिपचिप होता है और मेरे बच्चे नहीं खाते क्योंकि मैंने हमेशा उनको बहुत अच्छा खाना बना के दे खिलाया है, तो उनको पता है। तो मैंने कुकर में कई बार बनाया तो उन्होंने राइस नहीं खाई, तो आज मैं राइस कैसे बनाती हूँ वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका मैं पानी निकाल दूँगी स्टार्च, क्योंकि बहुत शुगर भी होती है ना उसमें, इसीलिए मुझे हमें शुगर नहीं चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा अच्छे से बॉयल होके मैं दिखाती हूँ हम राइस कैसे बनाती हूँ मैं। ये देखो हमारा राइस हो गया, अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे राइस कैसे होते हैं। थोड़ा इसमें पानी डालने का स्टार्च निकाल देती हूँ मैं, नहीं रखती फिर खुले छोटे छोटे राइस होते हैं। देखो पूरा पानी मैंने निकाल दिया और अभी जो थोड़ा सा पानी अगर अंदर होगा तो अभी मैं गैस पे रख दूंगी तो वो अपने आप ही हो जाएगा और बहुत खुल जाएंगे। और ये देखो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, और ये जो थोड़ा सा पानी है तो बड़े थोड़ा सा पानी नीचे होगा तो अपने आप वो सूख जाएगा और राइस राइस एकदम छुट्टे छुट्टे हो जाएंगे। ये बच्चे खा बच्चों के लिए, क्योंकि उनको चिपचिप राइस नहीं अच्छे लगते, उनको बिल्कुल छुट्टे राइस चाहिए। तो अभी थोड़ा सा एक 5 मिनट के लिए ऐसे बड़े गैस पे नहीं छोटे गैस पे रखूंगी और फिर ढक्कन रख के रख दूंगी, तो क्योंकि इधर पानी होगा वो सूख जाएगा, ये पतीले का नीचे पानी है राइस के नीचे तो वो सूख जाएगा। ये देखो राइस कैसे आ, मैंने जान के आपको बताने के लिए ये वीडियो रखा, ये ऐसे। और बस आज के लिए इतना, मुझे बताना राजमा राइस आपको दिखाया, और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच आज के लिए। श्री गुरुदेव।